जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। तो दोस्तों, इसकी 20 रुपये महिला के पास कोई भी लिस्ट नहीं है, क्योंकि लिस्ट तो तब होगी जब कोई घोटाला हुआ हो। ज्यादा से ज्यादा ये मोदी को चोर बोल सकते हैं, इससे भी जाकर आगे ये बोल सकते हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया। परंतु दोस्तों, ये कभी ये नहीं बोलेंगे कि मोदी के काल में देश जो है दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। खैर दोस्तों, इनकी नौटंकी तो ऐसे ही चलती रहेगी। हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो फिर से नेशनलिस्ट मीम पर होने वाली है। एक बार फिर मैं आपके लिए पढ़ने के लिए भी सीरियस मैसेज लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। भगवान भी आकर के हमारे सामने प्रकट होके कहें कि चलो भाजपा में, हाँ, तब भी मैं नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों आज के दोस्तों हमारे चैनल पर मजहब की खूबसूरती आती ही रहती है, उसकी वीडियो आप देखते ही रहते हैं। और एक क्लिप आपके लिए इस वीडियो में डाली है, जब एक खातून का जो मामा है उसका पति बन जाता है, अपने क्लिप में देखिए। कजन की बेटी है मैं, बस इस्लामाबाद आना चाहता। कजन की बेटी? जी मेरे कजन की बेटी है। पहले मेरे मामू थे। पहले कि आपके मामू थे? मामू थे ना मेरे, वकार मामू। तुम्हें शर्म है कुछ? अभी भी चॉकलेट ले आइएगा, कहेंगे अब तो चेंज कर दो, एक बेटी हो गई है। कहते ना बाद में कजन्स को अक्सर भाई भाई कह के निकाह ही तुड़वाने वाला काम। नहीं आपका क्या, छोटी सी बच्ची पे दिल आ गया था तुम्हारा? बोले क्या, छोटी सी बच्ची पे दिल आ गया था? मामू है वैसे आप इनके। एक बात बताऊं, रेलवे को जमीन हमने दी है। आपने रेलवे को जमीन दी? रेलवे को आपने जमीन दी? गजब थथरई है भाई। तो दोस्तों, आप शायद इस कटवे को सीरियस ना ले रहे हो, परंतु आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में वक्फ बोर्ड है और उसके पास इतनी पावर है कि यदि वो कोई जगह को अपनी प्रॉपर्टी बता दे या फिर सुप्रीम कोर्ट की जमीन को भी वो अपनी बता दे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उस चीज को कोर्ट में ही चैलेंज कर सके। उसके लिए उसको वक्फ बोर्ड में ही जाना होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ही न्यायिक फैसला वहां पर आएगा, क्योंकि जो चोरी करने वाला चोर है वो भी एक ही कम्युनिटी का है, और जो पुलिस वाला है वो भी उसी कम्युनिटी का होगा, और जो सुनाई करने वाला होगा वो भी उसी कम्युनिटी का होगा। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कितना ही हमारे हक में फैसला आएगा दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों देशों का इस्लामीकरण होता है, लैंड जिहाद होता है। कांग्रेस पार्टी तो सदैव से परिवारवाद से पीड़ित है, और मैं आपको अनगिनत उदाहरण दे सकता हूं परिवार दर परिवार कि कैसे इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्राइवेट फैमिली बिजनेस बना दिया, प्राइवेट कंपनी बना दिया है। और ये केवल दो पार्टियों का उदाहरण नहीं, देश की तमाम पार्टियों का आप नाम लें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर आप पीडीपी से लेकर आप आरजेडी से लेकर आप समाजवादी पार्टी से लेकर आप कांग्रेस से लेकर शिवसेना से लेकर बीजेडी से लेकर डीएमके एआईडीएमके से लेकर तमाम पार्टियों की यही हालत है। आई थिंक इट इज इन दैट क्वेस्ट that these people have come together. Of course, there could be some contradictions here or there. Of course, there have been, a history between political parties in electoral battles. But at the end of the day, I feel this is one family, this is one parivar, where even if one sibling has some issues with the other, or there is a little bit of nick and knack or some sort of small quarrels between two members of a family, but when the family is attacked, all the members come together to protect the family and the name. तो भाई जो ये केजरीवाल है, इससे हिपोक्रेटिक बंदा आज तक नहीं देखा इंडियन पॉलिटिक्स में। मतलब ये फ्री का लोगों को लालच देता है, और लोग इतने मूर्ख हैं कि वो इस लालच में आ ही जाते हैं। पहले ये बच्चों की कसमें खाता था कि कभी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा, तो आज देख लो दोस्तों सभी कैसे एक साथ मिले हुए हैं एक मोदी को हराने के लिए। देश के नेताओं को इकट्ठा करने से देश नंबर वन नहीं बनेगा, 130 करोड़ लोगों को अलायंस करने से देश नंबर वन बनेगा। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जोड़ तोड़ की राजनीति, ये अलायंस, ये सब मेरे को समझ नहीं आते। ये राजनीति उनके जिम्मे। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी सातों सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी?
तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो मणिपुर की घटना पर बनाई थी और उसमें हमने जिक्र किया था राजस्थान की एक घटना का जो कि मणिपुर की जैसी ही घटना थी, परंतु उस समय दोस्तों सभी लिबरल गैंग, सभी सेक्टर गैंग सभी मौन थे। और दोस्तों ऐसा ही कांग्रेस के मंत्री ने राजस्थान में बोला कि हमें मणिपुर की घटना को छोड़कर अपनी तरफ देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अपराध बढ़ गए हैं। और दोस्तों राहुल गांधी जो लोकतंत्र की हमेशा दुहाई देते रहते हैं कि मोदी के शासनकाल में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, तो उन्होंने देखिए इनके साथ क्या किया, इनको इतनी बात बोलने पर इनको जो है मंत्री पद से हटा दिया। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गरीबान में झांकना। मजाक है क्या? हुई मंत्री गुड़हा पद से बर्खास्त कर दिए गए हैं। प्रदेश की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, राजेंद्र गुड़हा को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। सब द आइडिया ऑफ ए डेमोक्रेटिक मॉडल इज बीइंग अटैक एंड थ्रेटन्ड। पार्टी सुपर डुपर हिट होगा और उसका सक्सेस मनाने फिर से आएंगे आप जरूर देखना। माशाल्लाह, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक मिनट शेयर जरूर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। With the